हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इन्फोटेक की इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं एंड बात करेंगे डीलिस्टिंग से। जैसे इस शेयर की न्यूज़ेस निकल के आ रही है, क्या डीलिस्ट ये होने वाला है एंड क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स की लेटेस्ट अपडेट के साथ बात करेंगे हम ऑल लेटेस्ट न्यूज़ की। यहाँ पे हम आ चुके हैं लेटेस्ट स्लाइड के ऊपर एंड यदि प्राइस चेक करें तो 0.7575 के साथ आज के दिन लास्ट ट्रेडिंग टाइम पर बंद होने को दिखा है। लगातार काफ़ी बड़ी गिरावटों के बाद यदि अभी देखें तो 75 पैसे तक इसका यहाँ पर प्राइस पहुँच चुका है। उसके साथ यदि हम बात करें जो गिरावटें इसमें हुई है, काफ़ी ऊपर वाले प्राइस से 1.20 रुपये से गिर के यहां तक आ चुका है। उसके साथ कई सारे इन्वेस्टरों के बीच यहां पे जो न्यूज़ेस आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास भी आ रही होंगे, हमारे पास भी हैं, तो यहां पे थोड़ी पहले बात कर लेते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, विसेस विल ट्रेड अबव इन टू फिगर। मतलब ये यहां पे टू फिगर की बात कर रहे हैं, मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये 10 रुपीज से ऊपर जाने वाला है, ऐसा कुछ ही यहाँ पे बोल रहे हैं। और बकाया ये बता रहे हैं यहाँ पे डोंट सेल और बाई, मतलब आप सेल भी मत कीजिए, बाई भी मत कीजिए। यदि आपके पास है तो आप उसे होल्ड कीजिए एंड देखिए इसके साथ साथ टाइम के साथ साथ कहाँ जाने वाला है। हैप्पी इन्वेस्टिंग की सलाह दे रहे हैं। बकाया यदि बात करें, एक और यहाँ पे इन्वेस्टर है वो यहाँ पे टेस्ट अगेन 0.5 पैसा, मतलब 5 पैसे तक की ये बात कर रहे हैं। बता रहे हैं नो रेवेन्यू, नो बिजनेस, नो फंडामेंटल और नो सेल्स, कंपनी फॉल बैडली, कंपनी बुरी तरह से गिरेगी क्योंकि उसका कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं है, ये कुछ ऐसी बता रहे हैं। तो मार्केट में अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, उन सबसे आपके लिए यदि यहां पे बैड न्यूज आती है तो आपके बीच कहीं ना कहीं पैनिक होता है एंड गुड न्यूज आती है तो जरूर आप एक अपॉर्चुनिटी देख के उसमें पैसा लगा देते हैं। आखिर रियल में क्या होने वाला है, तो इन सभी बातों की अभी हम तफसील से डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, यदि फर्स्ट टाइम इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बकाया एक और यहां पर इन्वेस्टरों की बात करें तो वो यहां पर बता रहे हैं प्रमोटर सोल्ड ऑल होल्डिंग्स अबव 0.35 पैसा, मतलब इन्होंने 35 पैसे के ऊपर प्रमोटर ने अपनी सारी होल्डिंग बेच दी है। ओनली 1% होल्डिंग नाउ, डीलिस्ट सून, ये बता रहे हैं यहां पे डीलिस्ट हो जाएगी क्योंकि यहां पे अभी प्रमोटर के पास ओनली 1% की होल्डिंग है। ये यहां पे बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि यहां पे प्रमोटर के पास तो जरूर इतनी ही होल्डिंग है क्योंकि प्रमोटर के पास जो यहां पे 20% की होल्डिंग थी वो यहां पे बेच के ओनली इनके पास अभी 1% की होल्डिंग है क्योंकि इन्होंने अपनी प्लेजिंग चुकाई हुई है। उन सभी चीजों की अभी हम नीचे तफसील से बात करेंगे, बट यहां पे डीलिस्ट से रिगार्डिंग कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है तो आप पैनिक मत होइए। ऐसे कोई भी शेयर डीलिस्ट नहीं होता है कि एकदम उसे लाया और डीलिस्ट कर दिया, भले ही यहां पर प्रमोटर जीरो भी हो जाए तो भी ऐसे शेयर एकदम डीलिस्ट नहीं होता है, 1% है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बात करें यहां पर प्रमोटर्स की तो इस समय 1.95% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। मैंने जैसे आपको बताया था 20% की होल्डिंग प्रमोटर के पास दिसंबर 2021 के लेटेस्ट रिजल्ट्स में थी एंड यदि अभी देखें तो ओनली 1% की होल्डिंग है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। उसके साथ यदि प्लेजिंग देखें तो आप देख सकते हैं 46% की प्रमोटर की प्लेजिंग थी। प्लेजिंग का मतलब है प्रमोटर ने यहाँ पर अपने शेयर गिरवी रखे हुए थे एंड उनके एवज में पैसे उठाए हुए थे, तो इन्होंने अपनी जो होल्डिंग बेची है उसके साथ साथ इन्होंने अपनी प्लेजिंग भी की हुई है, तो ये भी इस शेयर के लिए एक पॉजिटिविटी है क्योंकि प्लेजिंग भी कम करना उस शेयर के लिए एक अच्छी न्यूज़ तो होती होती है। साथ में आप अभी देखें तो प्लेजिंग भी खत्म है, साथ साथ उन्होंने अपनी होल्डिंग के साथ साथ होल्डिंग तो कम की है एंड प्लेजिंग भी खत्म कर दी है, तो ये तो एक अच्छी पॉजिटिविटी है, कोई भी गलत चीज नहीं है। प्लेजिंग खत्म करना बहुत ही जरूरी रहता है, लंबे समय से अपनी प्लेजिंग को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। यदि आप यहां पर प्लेजिंग देखें तो 65% से ऊपर थी, देन फिर यहां पर 65% एंड 0.42 थोड़ी सी इन्होंने यहां पर प्लेजिंग चुकाई थी, देन फिर यदि उसके बाद देखें तो इन्होंने लगातार अपनी होल्डिंग तो कम की ही की है, साथ साथ इन्होंने अपनी प्लेजिंग भी यहां पर कम करते हुए देखे गए हैं, तो ये प्लेजिंग कम करना कोई भी कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज तो होती है। एंड उसी के साथ यदि हम बात करें इस कंपनी की और भी न्यूज़ेस की तो 0.75 पे तो अभी चल ही रहा है, लगातार यदि आप देखें तो 5 पैसे से भागा हुआ शेयर जो यहां पे 1.50 रुपए के ऊपर जा चुका था, देन अभी देखें तो मैसिव यहां पर शॉर्टफॉल देखने को मिला है, काफी बड़ा यहां पर फॉल, 75 पैसे पे अभी ट्रेड हो रहा है। लगातार यदि आप देखें तो कहां से यह चला हुआ शेयर, अभी 75 पैसे पे तो है ही। उसी के साथ यदि पिवोट लेवल पे थोड़ी स्थिति चेक करें तो यहां पर 82 पैसे का एक अच्छा प्राइस बताया जा रहा है, लगातार अपने यहाँ पर सेकंड सपोर्ट पे आज जाने को दिखा है, फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकंड सपोर्ट के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आज देखने को मिला है बीएससी एंड एनएससी पर। उसी के साथ यदि यहाँ पर रेसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 82 पैसे से ऊपर के रेसिस्टेंस 83 पैसे, 87 पैसे एंड 88 पैसे, कहीं ना कहीं यदि आप इंटरडे करते हैं, मार्जिनल इंटरडे स्क्वायर ऑफ करते हैं तो ये यहाँ पर पिवोट लेवल चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है। यदि नहीं भी करते हैं तो आप यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को यहाँ पर ले सकते हैं। बकाया यदि हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की तो इस समय जो प्राइस चल रहा है वो 0.75 तो चल ही रहा है। उसके साथ साथ यदि हम बात करें 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की तो वो यहाँ पे 1.05 रुपए चल रहा है एंड 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज ओनली 72 पैसे चल रहा है, तो अपने 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से अभी ऊपर है 72 पैसे, 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज आपको यहाँ पर ब्लैक लाइन से सो रहा होगा। बकाया यदि यहाँ पर पर्पल लाइन की बात करें तो 75 पैसे का प्राइस है, तो प्राइस एंड यहाँ से आपको देखें तो यहाँ से कई बार वी शेप रिकवरी देखने को मिली है 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से। यदि आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज
डेज को टच किया, उसके थोड़ी नीचे भी आया, देन फिर वहाँ से भाग खड़ा हुआ था। तो 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज पे एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो निकलती है। यदि आप यहाँ पे देखें तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज थोड़ी सा नीचे अपने प्राइस से, तो वहाँ यस जैसे भी आता है तो वहाँ से भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। बकाया यदि बात करें अभी यहाँ पर लेटेस्ट वॉल्यूम की, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम सामने निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पर 4-4 करोड़ शेयरों के वॉल्यूम निकल के आ रहे हैं। वॉल्यूम बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा इस शेयर में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे यहाँ पे 8-7 करोड़ के वॉल्यूम सामने निकल के आ रहे थे, जो अभी काफ़ी कम देखने को मिले हैं। उसके साथ यदि डिलीवरी परसेंटेज देखें तो 57% 1 मंथ के एवरेज में थी, 1 वीक के एवरेज में यहाँ पे 50% के अराउंड डिलीवरी निकल के आए। उसी के साथ यदि अभी देखें तो डिलीवरी परसेंटेज तो ज़्यादा है, बट वो परसेंटेज वाइज ज़्यादा है, कोई भी यहाँ पर क्वान्टिटी वाइज ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 4 करोड़ की यहाँ पर डिलीवरी, 4 करोड़ की यहाँ पर अभी ओनली 2-2 करोड़ की डिलीवरियाँ उठाई जाती रही, क्योंकि वॉल्यूम भी कम हुआ है। तो उसके साथ साथ डिलीवरी परसेंटेज तो कम होना एक लाजमी सी बात है, वो आप मैथमेटिक्स इतना समझते होंगे। उसी के साथ यदि एनएससी के काउंटर पर बात करें तो 60% के अराउंड की यहाँ पर डिलीवरी आज के दिन देखने को मिली, 1 करोड़ से ज़्यादा के शेयर, 1 करोड़ 50 लाख के अराउंड के शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे आज के दिन उठाए गए। BSE की यदि बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो इस काउंटर पर 63% की डिलीवरी यहाँ पर उठाई गई, 89 लाख के शेयर इजीली यहाँ पर उठा लिए गए, 1 करोड़ 42 लाख की यहाँ पर ट्रेडिंग हुई, जिसके साथ साथ 63 का एक अच्छा परसेंटेज यहाँ पर सामने देखने को मिला है। यदि ASM लिस्ट की बात करें तो लगातार मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ASM स्टेज 1 में देखने को मिल रहा है। सेवी की थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन तो है ही, क्योंकि जैसे ही सेवी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, उन शेयरों को यहाँ पर ASM GSM में डालने को देखा जाता है। आपने कई सारे शेयरों को यहाँ पे ASM GSM में डालते हुए देखा होगा। यदि आप ये सब नहीं जानते हैं ASM GSM लिस्ट क्या है, तो उसके लिए आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आप अंदर जा सकते हैं, अंदर आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी ASM GSM लिस्ट से रिगार्डिंग क्या चीज़ें होती है। 4 तरह की स्टेजेस होती हैं, मैं आपको इनिशियली यहाँ पे बता दे रहा हूँ, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 एंड स्टेज 4। जब कोई ज़्यादा इनरेगुलरिटीज आती है, जब ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उस शेयर को यहाँ पे स्टेज 4 में डाला जाता है, देन फिर वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है 4 से 3 में जाने का, 3 से 2 में, एंड देन 2 से 1 में। 1 में जब भी शेयर रहता है तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन रहती है, लेकिन वहां से यदि जैसे ही बाहर निकलने को देखा जाता है, देन फिर वहां से एक अच्छी मैसिव रिकवरी आपको शेयर के प्राइस में देखने को मिलती है, कई बार ऐसा देखा गया है। उसी के साथ यदि इशू टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करें, तो 377 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 की फेस वैल्यू के साथ अवेलेबल रहने वाले। उसके साथ यदि हम आफ्टर मार्केट ऑर्डर की बात करें, तो यहाँ पर 4 लाख से ज्यादा के शेयरों की यहाँ पर सेलिंग लगी हुई है, जो यहाँ पर 75 पैसे पर लगाई गई है। तो एक बड़ी सेलिंग यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव इंडिकेशन को तो इशारा कर ही कर रही है। साथ साथ यदि आप देखें तो 4 लाख से ऊपर की ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कल के दिन प्री ओपनिंग मार्केट प्राइस पे थोड़ी सी गिरावट दे सकते हैं। बकाया यदि आप देखें तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर कुछ भी नहीं है, इस समय बाइंग प्रेशर किसी भी प्राइस पे नहीं, ओनली सेलिंग प्रेशर। तो सेलिंग प्रेशर कल के दिन प्री ओपनिंग मार्केट प्राइस पे थोड़ी सा यहाँ पे नीचे, जैसे अभी 0.75 प्राइस चल रहा है, 75 पैसे का प्राइस चल रहा है, तो कल हो सकता है थोड़ी से नीचे खुलने को प्राइस देखें, हो सकता है डायरेक्ट लोअर साइड पे भी खुले, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ी ज़्यादा रहने वाला है। बकाया अभी मिलते हैं एक लेटेस्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए यदि वीडियो में सब फर्स्ट टाइम है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को प्लीज़ यहाँ पर लाइक कर दें।